हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल जो दवा है वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो यू नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है दोस्तों। कैंसर की फेमस जो मेडिसिन है दोस्तों जिसका नाम है टैक्सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ORT ओरल रायथेनाइजेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है दोस्तों, ORT चिकित्सा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोकोमो व ट्रोकोमो बीमारी दोस्तों, तो आँख से रिलेटेड बीमारी दोस्तों ग्लोकोमो व ट्रोकोमो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया रोग के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों डिप्थीरिया रोग के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एथलीट फुट रोग होता है दोस्तों, तो फंगस के कारण होता है दोस्तों एथलीट फुट रोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, HIV की जांच के लिए होता है दोस्तों, तो एलिसा टेस्ट होता है दोस्तों HIV की जांच के लिए। कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? एलिसा टेस्ट होता है HIV की जांच के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? एड्स रोग होता है दोस्तों HIV के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारस है, तो सारस क्या है? एक विषाणुयुक्त रोग है दोस्तों, विषाणु के द्वारा जनित एक रोग है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सारस। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या है दोस्तों? तो डायोप्टर है दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडिला है दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दी दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।